हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल की एकदम ज़बरदस्त सी रेसिपी। जो लोग कटहल नहीं खाते हैं ना, वो खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कटहल खाने में इतना मज़ेदार है, नॉनवेज को तो बिल्कुल टक्कर देता हुआ सा है, और बनाने में इतना आसान है। इतनी आसानी से आप इसे केवल 15 मिनट में बना सकते हैं और नॉनवेज को बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं। कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो खाने की रेसिपी को आप ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो चलिए इस यमी डिलीशियस रेसिपी को हम जल्दी से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 12 से 14 कलियाँ ली हैं लहसुन की, 2 हरी मिर्चियाँ और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी मिला के। मीनवाइल मैं यहाँ पे ये कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चमचे सरसों के तेल के, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तब ये अच्छे से पक गया है, गैस ऑन कर लेते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे कटहल डाल देती हूँ। ये कटा हुआ कटहल है 1/2 किलो, और इसको हम डाल देते हैं। इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन फ्राई ना हो जाए। इस तरीके से आपको एकदम से फ्राई करना है, लगभग 3 से 4 मिनट लगेगा। ऊंची आंच पे आपको इसे फ्राई करना होगा, और 3 से 4 मिनट के बाद ही आप देखेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन ये फ्राई हो गया है, और ये लगभग 70% पक चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऑयल को हम बचा हुआ फेंकेंगे नहीं, आगे की हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो इसी ऑयल में हम आगे की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते के, इसके साथ साथ कुछ खड़ा मसाला है मेरे पास। यहाँ पे मैंने डाला है 1 दालचीनी का 2 1 इलायची है, और 2 है लौंग। बस इतना ही हमने खड़ा मसाला इसमें ऐड करना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे मेथी दाना डाल रही हूँ 1 चुटकी, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो हमने प्याज और लहसुन अदरक पीसा था उसका पेस्ट में डालती हूँ। और इसकी ट्रिक ये है कि बिल्कुल तेज़ आंच पे आप डालेंगे, इस तरीके से भभकना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये एकदम से जो भी इसका पानी होगा वो एकदम से उड़ जाएगा। और ये देखिए, ये बैटर एकदम से इस तरीके से हो जाएगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो यही इसकी ट्रिक है, डालते के साथ ही ये प्याज पूरी पक जाएगी, इसका पानी जो है एक्सेस वो उड़ जाएगा, मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। अब हम डालते हैं ड्राई मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के, इसके साथ साथ 1 बड़ी चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। इसके साथ साथ हम 1 बड़ा चम्मच ले रहे हैं गरम मसाला। आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं, अगर थोड़ा डार्क कलर वाला गरम मसाला होगा ना तो स्वाद बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1 छोटी चम्मच ही मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला का। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इस मसाले में ये वाला मसाला भी पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। गैस की आंच आप तेज ही रखेंगे तो ये मसाला और ये जितने भी हैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से भुनेंगी, बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा। और ध्यान रखेंगे कढ़ाई मैंने थोड़ी मोटी ली है, मतलब मोटे तले की कढ़ाई है, इसलिए गैस की आंच आप तेज करके भी इसको पका सकते हैं। और ये देखिए, चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटहल जो हमने फ्राई कर लिया था, 70% तक कुक हो चुका था, और इसको मैं मसाले के साथ 1 मिनट के लिए बस हल्का सा ऐसे ही भून लेती हूँ। तो ये भून लेने के बाद देखिए, मसाला अच्छे से कवर हो गया है, कोट हो गया है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे पानी डाल लेते हैं। तो 1 कप पानी मैंने अभी यहाँ पे डाला है, और इसको थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो अभी मैंने 1 कप डाला है, अब मैंने 1 कप और पानी इसमें ऐड कर दिया है, तो 2 कप पानी हो गया। और इसको हम चला लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप नमक मिर्च अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल सही है। ढक के मैं इसे 10 मिनट के लिए पका लूँगी, और 10 मिनट के बाद ये देखिए, इसकी रंगत बिल्कुल अलग हो गई है, बहुत ही टेस्टी सा आया है लुक इसका। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। और ये कटहल भी ना बहुत अच्छे से पक गया है, क्योंकि 70% तो ऑलरेडी पक चुका था, और अब बाकी 10 मिनट में ये आसानी से पक गया है।
तो पास से दिखा लेती हूँ। एकदम ज़बरदस्ती ग्रेवी वाली रेसिपी तैयार हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने में जितनी मज़ेदार दिख रही है ना, उतनी मज़ेदार खाने में भी है। बहुत आसानी से बन के रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे तो पूरी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। नान के साथ खा लीजिए, बहुत यम्मी लगेगा। नॉनवेज में और वेज में कोई फ़र्क ही नहीं बता पाएगा कि ये कटहल है या मटन है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।